सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को अपनी फोटो को जो है पिक्सार्ट ऐप में इंपोर्ट करना है गाइस। उसके बाद आप सभी को चले जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से आप सभी को चले जाना है बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में। आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहां से व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड है इसको ऐड कर लेना है। एंड इसको ऐड कर देने के बाद गाइस आपको यहां पे अपने बैकग्राउंड का जो फ्रंट वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर रख देना है। एंड उसके बाद इन्वर्ट कर देना है। फिर उसके बाद गाइस आपको ब्रश का जो हार्डनेस उसको फुल कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को जो है जो मतलब कि आपका विंडो वाला एरिया आपको वहाँ पर इसको पेंट कर देना है। तो मैं इसको फटाफट पेंट करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको आगे करना है। एंड गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आप लोगों को सिंपली यहाँ पर डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को चले जाना अगेन ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को जो आपके पीएनजी है यहाँ पे गाइस लीव्स के आपको उनको ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद गाइस आप लोगों को उसको इफेक्ट में लेके जाना है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको कलर्स वाला एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपको उसको ब्लैक एंड व्हाइट वाला ऑप्शन में जाकर आपको उसका जो अमाउंट है उसको जीरो कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद उसको मर्ज कर देना है। एंड उसका नेगेटिव वाला ऑप्शन लेकर डन कर देना है। एंड इसको डन कर देने के बाद गाइस आप लोगों को जिस टाइप से यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है यहाँ पे, ठीक है, विंडो से जैसे ही निकल रहा है इसी तरीके से आपको उसके एक डुप्लीकेट करके इसको भी लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा रोटेट करके लगा देता हूँ। एंड गाइस जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा आपको सिंपली इसको इरेजर टूल में जाकर उसको इरेज कर देना है। सो गाइस हमारे ब्रांचेस वगैरह लग चुके हैं, आप सभी को एक यहाँ पे ऐड करना बटरफ्लाई का पीएनजी। अब उसको जब आप ऐड करोगे तो गाइस उसके बाद आप लोग को सेम चीज़ वही करनी है, आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाके इसका जो है यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट वाला फिल्टर लेके आपको सिंपली इसका अमाउंट जीरो करके मर्ज कर देना है। फिर नेगेटिव वाला लेके आपको उसको डन करके आपको जो वहाँ पे तीन चार जगह पे लगा देना है। तो गाइस बात आती है ग्लोइंग की, तो ग्लोइंग आप गाइस यहाँ से टूल्स में जाकर एडजस्ट में जाकर आप ब्राइटनेस बढ़ा के भी आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप ग्लोइंग इफेक्ट। बट यहाँ से मैं आप सभी को एक नया तरीका बताता हूँ कि आपको ग्लोइंग इफेक्ट कैसे डालना है। तो अभी इसको डिस्कार्ड करते हैं हम। और उसके बाद आपको चले जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड में जाना है, यहाँ से व्हाइट कलर का आपको बैकग्राउंड लेना है। एंड इसको ले जाने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, अब जब इसको ले लोगे तो गाइस इसके बाद आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, तो कैसे गलती से तीन आ गए तो इन दो को मैं पहले साइड हटाता हूँ। जो हमें एक चाहिए तो उसको हम यहाँ पे रखते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे अपने उसके पास रख देना है। रिजल्ट टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है। ब्रश लेने के बाद आपको साइज छोटा करके एंड ऑपोजिट हार्डनेस कम करके आपको जो है जिस तरीके से पेंट करना है जहाँ जहाँ पे आपको ग्लोइंग इफेक्ट चाहिए। ओके गाइस, तो देख सकते हैं अब हमारे इसमें ग्लोइंग इफेक्ट भी आ चुका था। अभी हम इसको डन करते हैं। अब गाइस ऐड फोटो में जाएंगे, यहाँ पे पार्टिकल का पीएनजी और ऐड करेंगे एक, तो ये पार्टिकल का पीएनजी जो ये रहा। अब गाइस इसको आपको कैसे लगाना वो मैं बता देता हूँ। आपको इसको सिंपली ऐड करना है। एंड ऐड करने के बाद जो आपको पहले इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेना है, स्क्रीन कर देना है। देन उसके बाद आपको उसको जूम करके थोड़ा बड़ा साइज करके इसको इस तरीके से यहाँ पे लगाना है आप सभी को, ठीक है, इस तरीके से। एंड जैसे ही कर दोगे आप उसके बाद आप चाहो तो उसकी ओपोसिटी भी थोड़ी सी कम कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद आपको डन करना है। उसके बाद अपनी फोटो यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। इसको लेकर चलना है लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में गाइस ले जाकर वहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लाइट रूम ऐप में ऐड कर देना है। एंड उसके बाद जाना आपको लाइट में। लाइट में जाने के बाद यहाँ पे गाइस हल्की फुल्की एडजस्टमेंट करनी है आपको, जैसे कि एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो है थोड़ा सा हाईलाइट्स जो है हाईलाइट्स को इतना ही रहने देना, पहले व्हाइट को कम कर लेना। हाईलाइट्स कम मत करना नहीं तो उसकी जो ग्लोइंग इफेक्ट है वो चली जाएगी। तो हाईलाइट को आप इंक्रीज़ कर देना।
फिर उसके बाद जो कॉन्ट्रास्ट है इसको यहाँ पे हम बढ़ा देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे ये इतना परफेक्ट है। अब इसके बाद चलते कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद हम यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देंगे एंड मिक्स में जाएंगे, ऑरेंज कलर लेंगे एंड इसका जो सैचुरेशन है इसको बढ़ा देंगे एंड ल्यूमिनस को भी इंक्रीज़ कर देंगे एंड बाकी सबका कलर जो है हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इतना परफेक्ट है, अब इसको करते हैं हम डन। उसके बाद यहाँ से जाएंगे हम इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से क्लियरिटी इंक्रीज़ करेंगे, विगनेट डालेंगे इसमें, विगनेट डालना बहुत जरूरी है ठीक है, तो विगनेट जरूर डालेंगे एंड इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे हम इसका जो फीदर इसको इंक्रीज़ कर देंगे, विगनेट थोड़ा सा और बढ़ा देंगे एंड इसको नीचे लेटल में जाएंगे, फोटो की शार्पनेस इंक्रीज़ कर देंगे, नोट रोशन बढ़ा देंगे एंड इसके नीचे जो कलर नोट रोशन इसको भी बढ़ा देंगे। तो फाइनली हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए ऐसे मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।